बाहू, पा ओ बाहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, यूट्यूब पर सास बहू का सीरियल देख रही हूँ। अरे बहू, दिन भर मोबाइल ही चलाती रहेगी तो खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब काम कौन तेरी माँ आकर करेगी क्या? देखो माँ जी, मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ, जो सर्कस के बंदर की तरह आपकी उंगलियों पर नाचूंगी। आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, खबरदार मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहू, तू घर के काम काज नहीं करेगी तो तुझे नमक लगाकर चाटेंगे क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। और कुछ बोलो तो खाने को दौड़ती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी शिकायत करूंगी और मार पिटवाऊंगी। हाँ आने दो माँ जी, मुझे भी कोई डर नहीं लगता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू कब से मुझसे बदतमीजी किए जा रही है। और कुछ काम की बोलती हूँ तो सीधा झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है। क्यों नेहा, तूने माँ से बदतमीजी की और इनसे झगड़ा कर रही है? आज तुझे मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। देखो जी, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, जो तुम्हारे हर इशारे पर हाथ बांधे खड़ी रहूंगी। और ये मत भूलो, मेरे पापा ने तुम्हें 5 लाख रुपए देकर खरीदा है। अब मैं नहीं बल्कि तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। अरे नेहा, तुम भी क्यों घर की बातों को उजागर कर रही हो? वो 5 लाख तो हमने दहेज की रकम ली थी, और फिर दहेज लेना कोई गलत बात तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, लड़की का बाप जितना दहेज देता है उतना लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से लड़की वालों को लूटना बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।